2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले हरियाणा की राजनीति में 24 घंटे के अंदर अंदर कई बड़े बदलाव हुए हैं। 12 मार्च को पहले तो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और फिर उसी दिन नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए सीएम पद की शपथ भी ले ली, जिसके बाद बारी 13 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बहुमत साबित करने की आई और हरियाणा के नए सरकार ने बहुमत हासिल कर ली है। जी हां, सैनी ने आज विधानसभा में विश्वास मत पेश किया जो ध्वनिमत से पास हो गया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है सुनिए। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं, परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहाँ विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पहले मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा सीट से विधायक थे। मैं इस सदन के सामने, मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रिजाइन देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी जो भी नई जिम्मेदारी तय की जाएगी उसे सुचारू रूप से मैं पूरी करूंगा। खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुए करनाल सीट से नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद हैं।